गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट 28 चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय अर्थात शल्य आहरण विधि व्याख्याश्याम इति स्म अत्रयादि महर्षि। जो लोग मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम है रेवोल्यूशनरी एकेडमी पे, वो शेयर और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आज हम शल्य की 5 गतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शल्य की गतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। वक्र है टेढ़ी जिसको बोलते हैं, रिज्जु है सीधी जिसको बोलते हैं, तिर्यक तिरछी को ऊर्ध्व ऊपर और अधः नीचे की ओर बोलते हैं। शल्य का लक्षण भी जो शरीर के अंदर बाधा उत्पन्न करे उसे शल्य कहा जाता है। सुश्रुत सूत्र अध्याय 26 में बोला भी गया है, दिस चैप्टर डील्स विद द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वर यूज इन एंशियंट टाइम फॉर फॉरन बॉडी रिमूवल। और क्या कहता है इसमें आचार्य कि जो वक्र के टेढ़ी के बारे में जो बात है उसको इरेगुलर और कर्व्ड बोला है, रुज्जु को स्ट्रेट बोला है सीधी, तिर्यक को हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्व को अपवर्ड, अधय को डाउनवर्ड आर द 5 शल्य गति डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फॉरेन बॉडीज। अंत शल्य ज्ञान विधि के बारे में बात करता है कि जो अल्सर विद फॉरेन बॉडी इनसाइड कैसे आप पहचानेंगे। कहता है कि श्याम वर्ण या ब्लू डिस्कलरेशन, शोफ, स्वेलिंग और पेन, पीड़ा, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, बार बार रक्त का बहना और चारों ओर से ऊपर उठा हुआ, स्टब्ड विद इरप्शंस, उसके अंदर बॉडी में आपको लगेगा कि चारों तरफ से वो उठा हुआ है, वो किस कारण से, इन्फ्लेमेशन या शोफ के कारण। सॉफ्टनिंग ऑफ मसल्स आर द फीचर्स, जहाँ से वो उठा रहेगा वहाँ पे जो त्वचा रहेगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। और कहता है विच हैव ए वुंड हैव ए फॉरेन बॉडी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और इससे आप उसको पहचान भी सकते हैं। जो इरप्शंस और सॉफ्टनिंग में जो छोटी छोटी पीटिकाएँ फुंसियाँ निकलाएंगी, कोमल वांस वर्ण को संक्षेप में शल्ययुक्त यहाँ पर समझना चाहिए। त्वचागत शल्य का क्या लक्षण है, कहता है स्किन डिस्कलरेशन होगा और हार्ड रहेगी, लार्ज स्वेलिंग रहेगी, शॉफ कठिन होगा, फैला हुआ रहेगा। मांस में स्थित शल्य के अंदर बोलता है कि चोश शब्द, जलन का शब्द जो यूज किया है इसको सकिंग पेन भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये षटक्रिया काल में देखा भी होगा, पित्त के जब लक्षण पड़ते हैं तो ओस चोश परिदाह धुमाए नानी चका विपाक डगसाद छर्दिश चेती, जो लक्षण उसमें ओस चोश जो शब्द आया है वो पित्त के लिए ही आया है। और शोफ बढ़ता है, कहता है कि टेंडरनेस, सुपुरेशन एंड नॉन हीलिंग ऑफ द वुंड्स ऑफ एंट्री ऑफ द फॉरेन बॉडी, कहता है दबाने पर ऐसी सहिष्णुता रहेगी, पेन बहुत होगा। और कहता है कि पाक होगा, पाक से अर्थ लेना है कि सुपुरेशन को, मतलब पस फॉर्मेशन चलेगी, शल्य मार्ग भरता नहीं है, हीलिंग प्रॉपर्टी जो रहेगी उसकी पुअर हो जाएगी। इसके अलावा पेशी स्नायु और शिरागत शल्य का लक्षण बात करता है, जब व्हेन इट इज़ बिटवीन टू मसल्स, पेशी के अंदर रहेगा। कहता है कि इसके सिमिलर साइन ही रहेंगे फॉरेन बॉडी के, जो मसल्स में जो जिस तरह से रहता है। कहता है कि स्नायु में शल्य होने पर आक्षेप कन्वल्जन्स आएंगे, स्नायु जाल में एक क्षोभ उत्पन्न होगा। कहता है कि शॉक वाली कंडीशन रहेगी, जड़ता रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, वेदना रहेगी, लॉस ऑफ मूवमेंट्स और सीवियर पेन वाली कंडीशन रहेगी। और जो ये स्नायु में जो शल्य रहता है वो कठिनाई से बाहर निकलता है। उसके बाद बात करता है कि व्हेन द फॉरेन बॉडी इज इन शिरागत, वेन्स के अंदर जब रहेगी तो क्या होगा। कहता है देर इज डिस्टेंशन इन द ऑफ द वेन, कि वहाँ से उठी हुई या उभरी हुई रहेगी। व्हेन लॉस्ड इन द वेन्स देर इज डिस्टेंशन ऑफ द वेन। स्रोतोगत शल्य के बारे में बात करता है तो कहता है कि उस स्रोत के या उस बॉडी चैनल के जो कर्म और गुण हैं वो सभी क्षीण पड़ जाएंगे। कहता है कि देर विल बी लॉस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस एंड क्वालिटीज़। धमनीगत शल्य के लक्षण के बारे में बात करता है, व्हेन द फॉरेन बॉडी इज इन द आर्टरीज, कहता है ब्लीडिंग होगी विद फ्रोदिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि झागदार वायु के साथ रक्त बाहर निकलेगा, झागदार का फ्रोदिंग जिसको बोलते हैं, शब्द के साथ बाहर निकलेगा। कहता है कि रोगी को हृल्लास और अंगों में वेदना भी रहेगी, और हृल्लास से प्री वॉमिटिंग सिम्टम्स इसको बोलते हैं, और अंगों में वेदना बॉडी एक इसको रहेगा। कहता है कि व्हेन देयर इज फॉरेन बॉडी इन द जॉइंट्स और इन द बोन्स, क्या कहता है कि सीवियर शॉक रहेगा, बलवान शोभ रहेगा, बहुत ज़बरदस्त दर्द रहेगा, नोजिया और बॉडी एक रहेगा।
कहता है कि इसमें नोजिया के अलावा पेन, फिलिंग अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स एंड स्वेलिंग ऑन द बोन्स, कहता है अस्थि भारी अनुभव होगी, हैवी होगी, अस्थि में शल्य होने पर नाना प्रकार के जो साइंस बताए गए हैं, भग्न, टूटना, रुग्ण, मृदित, पिचित, पीड़ित, ये बोन फ्रैक्चर के टाइप्स वगैरह हैं इसके अंदर, और इनकी तरह ही उसमें पेन भी रहेगा। और कहता है कि देर इज़ लॉस ऑफ मूवमेंट ऑल्सो, सृजन, लॉस ऑफ मूवमेंट भी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद कोष्ठगत उसके बारे में बात करता है, संधिगत के भी जो लक्षण रहेंगे वो अस्थि संधि दोनों से ही संबंधित, वो दोनों एक जैसे ही रहेंगे, जिसमें लॉस ऑफ मूवमेंट रहेगा, और द साइंस ऑफ द अस्थिगत फॉरन बॉडी इज ऑल्सो सेम इन दिस। कोष्ठगत शल्य में कहता है अटोप रहेगा, अटोप का अर्थ है डिस्टेंशन रहेगी, पेट फूला रहेगा, आना रहेगा, और अपीयरेंस ऑफ फूड रहेगी, फिकल मैटर रहेगा, यूरिन एट द ऑरिफिस ऑफ द बोन, जहाँ पर भी घाव दिखेगा, जहाँ पर भी व्रण होगा, उसके मुख पर मल, मूत्र और अन्न आदि ये सब दिखाई देगा, जैसे किसी को पेट में चक्कू मार दिया किसी ने, या किसी ने उसको बीट कर दिया है, तो जहाँ से व्रण बनेगा, घाव बनेगा, या तलवार लग गई है, कोई भी किसी भी तरह का कोई व्रण हो गया है, तो वहाँ पर आचार्य ने बताया कि वहाँ पर आप देखेंगे कि अन्न भोजन अगर पेट में लगाए तो अन्न होगा, अगर इंटेस्टाइन्स में लगाए तो मल होगा, और यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आसपास लगाए तो मूत्र होगा। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य, मर्मगत शल्य के बारे में कहता है, कहते अपीयरेंस ऑफ साइन ऑफ इंजरी टू सच स्पॉट्स, कहते मर्मगत शल्य को मर्म के चोट पहुँचने से जो लक्षण होते हैं वही लक्षण दिखाई देते, जैसे देह में प्रसुप्ति, सुप्त अवस्था में हो जाएगा वो अंग, गुरुता हैवीनेस होगी, डेलीरियम होगा, और शीतकामिता मतलब ठंडे की इच्छा करेगा, कहेगा स्वेद उत्पन्न होगा, मूर्छा उत्पन्न, स्वेटिंग होगी, फेंटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, श्वास, डिस्निया की कंडीशन आएगी, ये मर्म के विद होने के लक्षण हैं। त्वक आदि में जब शल्य के लक्षण क्या दिखाई देंगे, क्या उपाय हैं, कहते जब त्वचा में स्थित शल्य को अपने अपने स्रावों से भी पहचानना चाहिए, कहता यदि त्वचा में है तो लसीका रहेगी, सिरा आदि में है तो रक्त रहेगा, अस्थिगत है तो मज्जा का स्राव होगा, इन तीनों को आपको अच्छे से समझ लेना है। इन एडिशन टू द जनरल साइंस इनमरेटेड सो फार, इवन देयर डिस्चार्ज फ्लूइड्स कमिंग आउट फ्रॉम द लसीका, लिम्फ फ्रॉम द स्किन एस्पेशली, रक्त फ्रॉम द वेन्स एंड आर्टरीज, मज्जा, बोन मैरो एक्सेट्रा शुड बी ऑब्जर्व। आप कैसे इसको मतलब डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि कहाँ पे शल्य है, तो इसके लिए आपको इसको याद रखना चाहिए, स्किन में लसीका रहेगी, आर्टरीज वेन्स में ब्लड रहेगा, और बोन्स और जॉइंट्स में वहाँ पर बोन मैरो या मज्जा रहेगी। शल्य का रोहणादि करता है, क्या कहता है कि इफ़ फॉरन बॉडी इज लॉस्ड इन पर्सन हु हैव प्योर बॉडी प्योरिफाइड विथ थेरेपी सच एज पंचकर्मा, एंड इफ द फॉरन बॉडी एंटर्स इन द सेम लाइन ऑफ द ऑर्गन द चांस ऑफ फीलिंग आर गुड, इफ द बॉडी इज नॉट प्योरिफाइड इट प्रोड्यूस सीवियर डिस्ट्रेस ड्यू टू एग्रीवेशन ऑफ द दोषाज ऑल्सो। कहते हैं वमन विरेचन से जिनका शरीर शुद्ध हो चुका है उन पुरुषों में अनुलोमन रूप में स्थित शल्य स्वयं भरा हुआ प्रतीत होता है, और हालांकि वास्तव में भरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन कहता है कि आचार्य यहाँ पर जिनका शुद्ध शरीर रहता है उनमें शल्य निकालने में दिक्कत इतनी नहीं होती, और जिन व्यक्तियों का शरीर शुद्ध नहीं होता उन लोगों में शल्य निकालने में बड़ी परेशानी आती है। रूढ़ अंत शल्य से भी पुनः पीड़ा, कहते दोष के प्रकोप से या चोट आदि लगने से जो विक्षोभ, पेन और शौक की जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसके कारण रूढ़ शल्य पुनः पीड़ा करने लग जाता है। कहता है कि वेन वी गो टुवर्ड्स दिस अंत शल्य और रूढ़, जब ये चोट लग जाएगा, दोष प्रकोप हो जाए, तो वो दोबारा से भी वहाँ पर आकर अपने लक्षण उत्पन्न कर सकता है। त्वक नष्ट शल्य का ज्ञान, त्वचा आदि में यदि शल्य नष्ट हो, छिपा हुआ हो, तो अभ्यंग से, स्वेदन से, मर्दन करने से, जहाँ जहाँ पर लालिमा रहे, रेडनेस रहे, पेन रहे, और इन्फ्लामेशन की कंडीशन रहे, या बर्निंग सेंसेशन का फीलिंग आए, तो वहाँ पर जहाँ पर लगाया हुआ घी पिघल जाए, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, वो इतना गर्म हो जाता है। कहता है कि जहाँ पर लेप जल्दी सूख जाए उस स्थान को शल्य से युक्त समझना चाहिए, ये भी एक शल्य ज्ञान का एक उपाय है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए। इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय क्लियरिंग लूजनेस, थिनेस ऑफ द मसल, और इसके बारे में जब आगे बात करता है
तो मांस में नष्ट शल्य का ज्ञान कैसे होगा? मांस में नष्ट शल्य के ज्ञान के लिए कहता वमन आदि से जो शुद्ध के किए हुए जो रोगी रहेंगे वो पतले हो जाने से ढीले हुए शल्य द्वारा होने से विक्षोभ शौक की कंडीशन में आएंगे। रक्तिमा और ये रेडिश डिस्कलरेशन आदि से उसको पहचान लेना चाहिए। पेशी आदि में नष्ट शल्य का ज्ञान कैसे करेंगे? पेशी में, आपके मसल्स में, अस्थि में, बोन्स में, जॉइंट्स में और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यदि शल्य छुपा हुआ है तो मांस में छिपे शल्य की बात ही उसे पहचानना चाहिए। अस्थियों में नष्ट शल्य का ज्ञान कैसे करेंगे कि यदि अस्थि में छिपे हुए शल्य को अस्थियों के अभ्यंग, स्वेदन, बंधन, बांधना, पीड़न, उनको जो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, ये सब जो फोर टाइप जो बताए गए पेशेंट को देखते समय, तो उसमें मर्दन करने से शोभ शौक आएगा, पीड़ा, पेनफुल कंडीशन रहेगी, इससे उसको पहचान लेना चाहिए। संधियों में नष्ट शल्य को कैसे पहचानेंगे? इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय एक्सटेंडिंग और फोल्डिंग ऑफ जॉइंट्स। उसको प्रसारण, एक्सटेंड करेंगे, फैलाएंगे, संकोचन, संकुचित करेंगे, मोड़ेंगे, अभ्यंग, स्वेदन आदि से, तथा अस्थि में नष्ट शल्य की भांति ही इसको भी पहचानना चाहिए। कहते स्नायु सिरा स्रोत धमनी में जो छिपे हुए साइट्स ऑफ दोज कंसील्ड इन टेंडन्स, वेन्स, चैनल्स एंड आर्टरीज आर रिकॉग्नाइज बाय अपीयरेंस ऑफ पेन इन सच प्लेसेस। पहचानने के लिए रोगी को टूटे पहिए द्वारा वाले रथ पर बैठाकर विषम मार्ग में घोड़े पर तेजी से ले जाएंगे तो इससे उसको तुरंत आप डायग्नोज बना लेंगे इसको कहाँ पे पेन हो रहा है। फीचर्स ऑफ कंसील्ड इन ए हॉर्स चैरियट विथ ब्रोकन व्हील्स, टूटे हुए उसके ऊपर लेके जाएं। इस प्रकार ले जाने पर वहाँ पर शोथ रहेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, विक्षोभ होगा, शॉक की कंडीशन आएगी, वहाँ पर आपको फिर शल्य समझ लेना चाहिए। मर्मों में नष्ट शल्य की पृथक अनुक्ति का हेतु कहता है कि फीचर्स ऑफ दोज कंसील्ड इन वल्नेबल स्पॉट्स, मर्म स्थान जो वाइटल स्पॉट्स रहते हैं, आर नॉट डिस्क्राइब सेपरेटली बिकॉज सच स्पॉट्स आर कंपोज ऑफ मसल्स एंड अदर टिश्यूज ओनली। द फीचर्स ऑफ विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी। मर्म में जो नष्ट शल्य के अलग लक्षण नहीं कहे गए क्योंकि मांस मर्म सिरा स्नायु आदि में पृथक नहीं है, इसलिए इनसे ही मर्म काम्य लक्षण समझ लेना चाहिए। नष्ट शल्य का सामान्य ज्ञान कैसे होगा? कहते सामान्यतः तो जो शोक उत्पन्न करने वाली जो क्रियाएं हैं जिस स्थान पर पेनफुल हो उस स्थान को शल्ययुक्त समझ लेना चाहिए। व्रण आकृति से शल्य आकृति का ज्ञान कैसे होगा? कहते संक्षेप में यदि बताया जाए तो शल्य गोल रहता है, चिपटा रहेगा। द शेप ऑफ द इनविजिबल फॉरन बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द वुंड सच एज राउंड, सर्कुलर, वाइड विद फोर एंगल, चौकोर रहेगी, त्रिकोण रहेगी विथ थ्री एजेस। अदृश्य शल्य के आकार को व्रण की आकृति से ही हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। फॉरन बॉडी रिमूवल कैसे करेंगे? शल्य कर्षण के उपाय क्या क्या हैं? कहते शल्य को निकालने के उपाय क्या हैं? कहते प्रतिलोम लाना और अनुलोम लाना। मेथड ऑफ रिमूवल आर दो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोज एंटरिंग इन टू द बॉडी फ्रॉम अबव एंड बिलो शुड बी टेकन आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन से रेस्पेक्टिवली। अगर अबव से आए तो बिलो से निकालेंगे, बिलो से आए तो अबव से निकालेंगे। दोज विच हैव एंटर्ड साइडवेज हॉरिजॉन्टली शुड बी रिमूव बाई कटिंग इट कन्वीनियंटली। कहते हैं जो शरीर में जाने के मार्गों से विपरीत मार्ग से लाना प्रतिलोम, पीछे की ओर खींच लेना, और शरीर के अंदर के मार्ग की ओर से भी निकालना, जिस दिशा में शल्य अंदर गया है उसी दिशा में उसे और बढ़ाकर दूसरी ओर से निकाल लेना अनुलोम कहलाता है। और जो तीर्यक है, जो हॉरिजॉन्टली जिसको रिमूव करने के लिए बोलता है कि जो तिरछे जो शल्य गए हुए हैं उन्हें सुखपूर्वक निकालने के लिए मांस आदि का छेदन करना चाहिए, बाय कटिंग इट कन्वीनियंटली जैसे योग्य हो वैसे उसे निकाल देना चाहिए। अनिर्घातनीय शल्य फॉरन बॉडी जो छाती में, कक्षा में, वंक्षण में, पार्श्वगत, प्रतिलोम, अनुतुंड, जो पानी के बुलबुले की भांति उन्नत उठा हुआ हो तथा जिनका मुख दिखाई ना दे, छेदन योग्य हो और विस्तीर्ण मुख वाले शल्य पर चोट नहीं करनी चाहिए। कहते फॉरन बॉडीज एरो हेड्स विच आर लॉज्ड इन द चेस्ट, एक्सिलरी रीजन, ग्रोइंस रीजन एंड फ्लैंक्स विच कैन बी कट एंड विच हैव बोर्ड ब्लेड्स शुड बी पुल्ड आउट। उनको खींच कर निकालना चाहिए, चोट मारकर उनको नहीं निकालना चाहिए। निकालने के अयोग्य शल्य कौन कौन से हैं? इसमें विशल्य घन मर्म के अंदर जो जो गए हैं बेटा उसको समझ लेंगे यहाँ पे। फॉरन बॉडीज दैट शुड नॉट बी रिमूव्ड, और जिस मर्म के ऊपर शल्य गया है और आपको ये पता है कि इस मर्म से इस शल्य को यदि बाहर निकालेंगे तो रोगी मर भी सकता है,
उस कंडीशन में हमें शल्य को वहीं पर रहने देना चाहिए। जो अदृश्य है, उपद्रव रहित हो, उसे भी निकालने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण रोगी मर जाए। कहता हस्त प्राप्य आदि दृश्य शल्यों का निकालना, कि आप जो हाथ से निकाल सकते हैं उनके लिए कहता हाथ से पकड़ने योग्य शल्य को हाथ से ही पकड़ कर निकालें। दूसरे प्रकार का शल्य जो हाथ से पकड़ कर ना निकाल सकें परंतु आँख से आपके नेत्र से दिखाई दे रहा हो, उसे सिंह, अही, मकर, वर्मी और कर्कटक मुख वाले यंत्रों से उसे पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। कहता है दोज हु लीड टू डेथ सून आफ्टर देयर रिमूवल विच आर लॉस्ट इनविजिबल विच आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड दोज हु डू नॉट प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन शुड नॉट बी रिमूव्ड। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जिस शल्य को निकालने से प्राणों के ऊपर आघात हो उस शल्य को नहीं निकालेंगे। हाथ से पकड़कर बाहर निकालने वाले शल्यों को हाथ से ही निकाल लेंगे, और जो हाथ से ना दिखाई दे रहे हों उन शल्यों को निकालने के लिए आचार्य क्या कहता है, यू हैव टू यूज इंस्ट्रूमेंट सच लाइक लॉयन फेस, वर्मी मुख, फिश फेस, कर्कटक, क्रैब फेस, जो आपको मैंने पीछे के शल्य के अध्याय में जब शस्त्र और यंत्र के बारे में जहां बात हो रही थी उन यंत्रों का प्रयोग करके इन मर्मों से भी इसको निकालना चाहिए। लेकिन मर्म के आइडिया पर आपको एक ध्यान देना है कि पेशेंट की जान पे खतरा ना आए। अदृश्य शल्य को कैसे निकालना है, दोज हु आर विच आर इनविजिबल बट कैन बी ग्रेस्प बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं अदृश्य शल्य को कंक से, भृंगू से, कुरर से, शरारी से, वायस मुख यंत्रों से, व्रण मुख से पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। कहता है कि थ्रू द वुंड शुड बी पुल्ड आउट विद इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग फेस लाइक कंक, हेरोन, भृंग, श्राइक, कुरूर, ओस्प्रे, शरारी, ए काइंड ऑफ हेरोन एंड वायस क्रो। इस तरह के मैं आप लोगों को एक और भी बात बता दे रहा हूँ, इस तरह का प्रश्न आप सभी से नहीं पूछा जाएगा, ये आपके केवल आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि फोर्थ ईयर में जब आप सर्जरी पढ़ें तो उस समय पे आप सभी को ये बातें अच्छे से काम आ सकें। त्वक आदि में स्थित शल्यों को कैसे निकालेंगे, जैसे त्वचा आदि में शल्य स्थित है तो संदंश यंत्रों से कहता है, अब फोर्सेप्स का यूज़ करेंगे उससे निकाल देंगे, पीछे रक्त को साफ कर व्रण को स्वच्छ बनाकर घी से व्रण पर स्वेद देना चाहिए। कहता है कि दोज विच आर लॉज इन होलो स्पेसिस बाय यूजिंग फोर्सेप्स यू हैव टू रिमूव इट। स्वेद देकर उस पर घी मधु लगाएंगे, पट्टी बांध देंगे और पथ्य पथ्य आर वी आर का वहाँ पर नियम का पालन करेंगे। शिरा स्नायु में शल्य का निकालना, कहता है कि शिरा स्नायु में यदि शल्य चला गया है तो उसे शलाका से, रोड से हिला डुला कर बाहर निकाल लेना चाहिए। हृदयगत शल्य कैसे निकालेंगे, कहते हैं हृदय में आश्रित जो कठिनाई से खींचने होंगे शल्य में, रोगी को शीतल जल से भयभीत, उद्विग्न बनाकर जब शल्य दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तब यथा योग्य यंत्रों के द्वारा मार्ग अनुरूप शोधन से उसे निकालना चाहिए। कठिनाई से खींचने होंगे अन्य शल्यों को भी इसी प्रकार अपने मार्ग में लाकर ही उन्हें निकालना चाहिए। कहता है कि व्हेन यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द हार्ट और हृदय से, पेशेंट शुड बी स्प्रिंकल्ड विद आइस वाटर। फॉरन बॉडी एरो हेड लॉज्ड इन बोन्स शुड बी रिमूव्ड बाय होल्डिंग द पेशेंट टाइट बाय द लेग्स ऑफ द फिजिशियन। कहता अस्थिगत शल्य में कहता है कि पाँव को जोर से दबा लेंगे और इस प्रकार शल्य ना निकले तो बलवान नौकरों से या आपके जो भिषक द्रव्य उपस्थाता जो रहेगा, उपस्थाता को अच्छे जो बलवान हैं उनसे पकड़वा कर खींच कर निकालना चाहिए। कहता है फॉरन बॉडी फ्रॉम द बोन्स शुड बी रिमूव बाय होल्डिंग द पेशेंट टाइट बाय द लेग्स ऑफ द फिजिशियन, इफ नॉट पॉसिबल बाय द मेथड इट शुड बी पुल्ड आउट बाय द अटेंडेंट्स हु आर स्ट्रॉन्ग एनफ। कहता है कि धनुष की डोरी आदि से बांध कर शल्य को निकालना चाहिए। कहता है इससे भी शल्य ना निकले तब लोहे आदि के बने हत्थे आदि शल्य को टेढ़ा करके धनुष की जो डोरी रहती उसके साथ भली प्रकार बांध दें। इसको एक घोड़े की लगाम से वैद्य भली प्रकार सावधानी से बांध दें। ये देखिए, ये जो पुरानी टेक्निक जो बताई गई है उसका आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत, आप घोड़े से बांधे, घोड़ा आपके कंट्रोल में ना रहे तो एक बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इफ़ नॉट पॉसिबल इवन बाय द मेथड द टेल एंड फीदर टाइड एंड ऑफ द एरो शुड बी बेंट एंड फास्टन विद टाइड टू द स्ट्रिक ऑफ ए बेंट बो एंड द बो टाइड टू द ब्रिड पिट ऑफ ए हॉर्स। यहाँ पर मैं आपको सावधानी बरतने का पूरा वो बोलूँगा और नहीं करने के लिए बोलूँगा। और धनुष की डोरी को कहता है कि घोड़े के लगाम से बांध दे और फिर घोड़े के चार पैर और मुख इन पांचों के पंचांगी बंधन से भली प्रकार बांधकर
वैद्य उस घोड़े को इस प्रकार चाबुक मारे जिससे घोड़ा वेग से मुख को ऊंचा उठाए, इस प्रकार करने से शल्य बाहर आ जाएगा। और मैं आप लोगों को एक और भी बात बताता हूँ, आप यहाँ पे घोड़े को बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि घोड़े को मारना आपको एनिमल एक्ट के थ्रू जेल में भी पहुँचा सकता है, इसको याद रखेंगे। यही क्रिया वृक्ष आदि की शाखा से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ईजी है कि शाखा से रस्सी को बांध के और शल्ले से उसको बांध कर अच्छी प्रकार बन जाने पर शाखा को एक बार खींच लें और फिर एकदम छोड़ दें। झटके से छोड़ी हुई शाखा शल्ले को तुरंत बाहर निकाल देगी। निर्बल हत्थे वाले शल्ले को बांस की खपची आदि से बांध कर निकाल सकते हैं। कहता है कि सूजन से जो छिपा हुआ हो उसको हत्थे आदि शल्ले को युक्तिपूर्वक सूजन से दबाकर उसको निकालना चाहिए। कहता है द हैमर हेड्स विदाउट ईयर लाइक प्रोजेक्शन विच हैव क्रिएटेड अ वाइड ओपनिंग इन द बॉडी लॉ स्ट्रेट कैन बी रिमूव बाई मेकिंग यूज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं ऊपर के मुख निकाले हुए शल्ले को मुदगर पत्थर आदि द्वारा नाड़ी से हिलाकर या अनुचित मार्ग में निकाले हुए शल्ले को मुदगर पत्थर आदि से भी आघात करके मार्ग में ले आएँ, फिर उसे निकाल दें। जिन शल्यों में कर्ण जैसे भाला आदि के कर्ण को आघात से तोड़कर या नाड़ी मुख से तोड़कर पकड़कर उसे बाहर निकालें। जिन शल्यों में कर्ण ना हो, पकड़ने की जगह ना हो, व्रणमुख फैला हुआ हो और शल्ले सीधी दिशा में नहीं हो, तो वहाँ पे चुंबक से भी उसे खींच सकते हैं। मेटल का रहेगा तो आपको ईजी रहेगा। कहता है पकवाशय में यदि पहुँचे शल्ले को विरेचन से निकालना चाहिए। आपको इंटेस्टाइन में कोई है तो उसे विरेचन से। दूषित वायु, विष दूषित स्तन्य, दूषित रक्त, पानी आदि को सींग आदि से चूस कर निकलवाना चाहिए। ये भी एक है, बैड एयर, गैस, पॉइजन, ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड फ्लूइड्स एक्सेट्रा विच आर एक्टिंग लाइक फॉरन बॉडीज शुड बी रिमूव बाय सकिंग यूजिंग एनिमल हॉर श्रृंग जिसको बोलते हैं। ये आप लोगों को पहले मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, वहाँ देख सकते हैं। कंठ आदिगत शल्य को कैसे निकालेंगे? कहते गले में फंसे हुए शल्य को रूई आदि धागे की विष से, विष किसको बोलते हैं, जैसे मृणाल किसको बोले थे, कमल की नाल को या एरंड नाल को गले बांध कर गले में डाल दें। ये जब शल्ले धागे में फंस जाए तब सूत्र से विष के साथ उसे खींच लिया जाए। लाक्षा भय आदि शल्ले का निकालना, लाख के बने हुए, लाख जैसे मोम आदि वस्तु से बने हुए शल्ले यदि गले में फंस जाएं तो अग्नि से तप्त शलाका को नलिका के अंदर रख कर पहुँचाया जाना चाहिए। जब शल्ले पिघल जाए, उस नलिका में फंस जाए, तब ठंडे जल से ठंडा करके उसे खींच कर बाहर निकाल लें। ऐसा भी कम ही करेंगे, क्योंकि मैं भी इसके लिए भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत गर्म करके आप कहीं उस पेशेंट को जला ना दें। इस प्रकार यदि लाख आदि का शल्य हो तो गर्म शलाका में लाख मोम आदि लगाकर गले में ले जाएं और शल्य उससे चिपक जाएगा, तब निकाल सकते हैं। कंठगत शल्य में मत्स्य कंठ आदि शल्य का निकालना, ये थोड़ा कॉमन है। इसमें सूखी रोटी खिलाओगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन ये यहाँ क्या बताता है कि मछली आदि का कोई कांटा गले में फंस जाए, बालों की गुच्छी को एक लंबे समय धागे में बांधकर वामक द्रव्य युक्त द्रव के साथ उसे निगलना चाहिए, फिर वमन हो जाएगा और बालों के गुच्छे के साथ अकस्मात खींचने से शल्य भी बाहर निकलाएगा। इससे अच्छा है कि आप उस रोगी को सूखी रोटी खिलाएँ बिना घी लगी हुई, तो उससे भी वह शल्य नीचे की तरफ चला जाएगा। और यदि बहुत बड़ा है तो उसको आपको एंडोस्कोपी के लिए भेजना चाहिए, एंडोस्कोपी से वो निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार गले में फंसे बालों की गुच्छे आदि को द्रव के साथ कांटा निकल जाए उसमें फंसा कर निकालें। यदि गले में क्षत हो, अगर चोट लग जाए कोई, तो त्रिफला को मधु, घी, चीनी आदि के साथ मिलाकर धीरे धीरे निकलते हुए चाटना चाहिए। कहता है कि मुख नासागत शल्य को कैसे निकालेंगे? मुख नासागत तो खींचा जा सकता है, उसे आगे ढकेल देना चाहिए। भोजन का शल्य रोटी आदि गले में फंसे तो क्या करें? पानी पिला कर या स्कंद कमर पे मुक्के आदि मार के उसे, मुक्का ज़्यादा तेज़ नहीं मारेंगे जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखना अपने को। नेत्र आदिगत व्रण में जो कि सूक्ष्म शल्य को निकालना है, तो यहाँ पर आप कॉटन लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे या रेशम से या बाल से या जल से पोंछ कर या साफ करके उसे निकालने का प्रयास करेंगे। नद्य आदि में डूबने से उदरगत शल्य, जल शल्य का निकालना, यदि पानी में कोई डूब जाए, मनुष्य का सिर नीचा करके उसे लंबा लटका दिया जाए, खूब हिलाएं, वमन कराएं और मुख तक राख के ढेर में गाड़ दें। ये मुख तक राख के ढेर में गाड़ने वाली जो टेक्निक है, इसको ना अपनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ये आप याद रखेंगे। कर्णगत जल रूप शल्य को कैसे निकालेंगे? कान में यदि पानी भर जाए तो तेल और पानी को हाथ में मथ कर कान में डाल दें और कान को नीचा करके दूसरे कान पर हल्की चोट करें, इस प्रकार जल निकल जाएगा। या सींग आदि से पानी को चुसवा लें, या
आप एक रोड लीजिए, रोड के ऊपर आप कॉटन लगाइए और उसको कान में डालिए धीरे से, बहुत जोर से नहीं डालना है, उससे भी वो बाहर निकल जाएगा। चींटी कान में कीड़ा निकलना कहता है कि कैसे निकालोगे, चींटी आदि कीट यदि कान के स्रोत में पहुंच जाए तो कान में नमक का पानी डालें या शुक्त डालें या गर्म पानी उसके अंदर डाल दीजिए, तो कीड़े के मर जाने पर मैल के समान निकालने पर उसका उपचार करना चाहिए वहाँ पर। ये पानी डालने से अच्छा है कि वहाँ पर आप उसको किसी तरह से आप यंत्र का प्रयोग करके आप उसको बाहर निकालें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कंडीशन इसमें भी आप नए हैं तो आपको नहीं, सौर ग्रोवेल खट्टा कोई बहुत अम्ल रस वाला लेके वो डाल दीजिए, ड्रॉप डालेंगे तो उससे भी निकलाएगा। जातु शादी शल्य का शरीर में गर्मी से नाश करें, जैसे लाख है स्वर्ण चांदी आदि धातु के शल्य देर तक शरीर में रहने पर शरीर की गर्मी से प्रायः धुल जाते हैं। कहता है कि फॉरन बॉडीज ऑफ लैक एंड अदर मेटल्स रिमेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन साइड द बॉडी गेट डिजोल्व बाय द हीट ऑफ द बॉडी। मिट्टी बांस आदि शल्य का स्वयं निकलना, कहता है मिट्टी बांस लकड़ी सींग अस्थि दांत बाल पत्थर इनके शल्य शरीर में विलीन नहीं होते, ये सींग बांस लोहे और ताल कांच लकड़ी इनके शल्य देर तक रहने से प्राय शरीर धातु या अंग से पृथक हो जाया करते हैं, क्योंकि ये मांस और रक्त को शीघ्र पचा देते हैं। कभी कभी मांस और रक्त के पकने से पस फॉर्मेशन सुपुरेशन थेरेपी सुपुरेशन हो सकता है, उससे भी शल्य बाहर आ जाता है, अन्यथा विद्रधि एब्सेस की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, शस्त्र कर्म के द्वारा वहाँ पे शल्य को आप बाहर निकाल सकते हैं। कहता फॉरन बॉडी कंपोज ऑफ मड बैम्बू वुड हॉर्न बोन टूथ एंड हेयर ऑफ एनिमल्स और मैन स्टोन डू नॉट गेट डिसॉल्व बाय बॉडी हीट, दोज कंपोज ऑफ हॉर्न बैम्बू आयरन वुड ऑफ पाम ट्री और रिमेनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन साइड द बॉडी जनरली गेट डिस्टॉर्डेड रिमेनिंग अनडिजॉल्व एंड प्रोड्यूस putrefaction, pus formation in the muscles and blood. If the foreign body is concealed deep inside fleshy parts, purification should be created in such a by squeezing, fermentation, thinning measures and smoothing therapies. Use of strong hot poultice, upnaha ka prayog karenge, warm foods, garam bhojan khilayenge, drinks, in season and other methods. Use of sharp instrumentation, trampling by feet etc. and then the foreign bodies remove by excision, probing or cutting. कहता है मांस में छिपे अंदर गहरा छिपा हुआ हो शल्य तो वहाँ पर उसे स्वयं ना पके तो उसे मर्दन से स्वेदन से वमन आदि क्रम से कृशता से, कहता है कि थिनिंग मेरेजर्स जो रहेंगे ब्रिंगण करना, स्मूदिंग थेरेपीज जो रहेंगी, तीक्ष्ण उपनाह रहेगा, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हॉट पोल्टीज, तीक्ष्ण खान पान रहेगा और पास पास में गहरा पोछना आदि क्रम से पकाना चाहिए। पकने पर उसका क्या करेंगे आप, एक्सीजन करेंगे, प्रोबिंग करेंगे और कटिंग करेंगे, पाटन एशन और भेदन करके उसे बाहर निकाल देना चाहिए। शल्य निकालने में ज्ञान, शल्य प्रदेश यंत्रणा अवेक्ष बहुरूपताम तस्यै रूपाय अमिजतान शल्यम विद्या तथा अहरेत। कहता है शल्य की स्थान की तथा यंत्रों के अनेक रूपता को देखकर बुद्धिमान वैद्य कहे या ना कहे यथा योग्य साधनों से शल्य को जाने और उसे निकालना चाहिए। कीप इन माइंड the different and peculiar features of the foreign bodies, their place of lodging and instruments of removal. The intelligent physician should recognize them and remove by their appropriate methods. क्या कहता है, इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का शल्याहरण नामक 28वां अध्याय समाप्त हुआ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सभी कर देंगे, थैंक यू सो मच, स्टे होम बी सेफ। एग्जाम आपके आने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर हम रिवीजन करें तो शल्य का ज्ञान किस प्रकार से होता है, त्वचागत स्नायुगत धमनीगत शिरागत और स्वे इसकी शल्य की गतियाँ कितनी, ऊर्ध्व अधः तिर्यक और वक्र और टेढ़ी जो ये रिज्जु ये जो पांच बताई गई इनको आप याद रखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ने पांच बोली हैं, चरक ने तीन बोली हैं, ऊर्ध्व अधः तिर्यक इसको याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, be safe, best of luck to all of you for your future exams also.